बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। हर माँ बाप दौलत के पीछे भागता है और सही मायने में उनके बच्चे ही सच्ची दौलत है जिनको सही राह दिखाता है हैप्पी मिलिट्री एकेडमी, जहां आप लोगों के ननिहालों को सैनिक मिलिट्री, जवाहर नवोदय, गुरुकुल, RIMC व सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्री फाउंडेशन बैच की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। अमित सर मैजिशियन ऑफ मैथ के निर्देशन में 6 सितंबर 2020 को शुरू हुई हैप्पी मिलिट्री एकेडमी आज युवाओं के भविष्य को संवारने में नंबर 1 एकेडमी बनी हुई है, जहाँ पर बॉय एंड गर्ल हॉस्टल सुविधा सहित तमाम सुविधाओं से युक्त एकेडमी, नारनौल रोड, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का, इन मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। अलवर जिले में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था में बढ़ती बेरोजगारी सहित धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार करने को लेकर अलवर में हुंकार रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान बहरोड से BJP कार्यकर्ताओं ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भाजपा से डॉक्टर नीलम यादव भी गाड़ियों के काफिले के साथ अलवर के लिए रवाना हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में मौजूद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रवानगी ली। वहीं डॉक्टर नीलम यादव ने बताया कि अलवर जिले में मौजूदा हालात बद से बदतर हैं, मौजूदा सरकार तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर रही। इस दौरान सैकड़ों BJP कार्यकर्ता भी डॉक्टर नीलम यादव के साथ अलवर के लिए रवाना हुए। शिव बाबा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स नारेड़क भारतीय स्कूल के पास नारनौल रोड बहरोड, जहां पर बेहतरीन क्वालिटी की बजरी रोड़ी जस्ट उचित रेट पर उपलब्ध है। और हां, खास बात पचेरी के मीठे पानी की कोयले से निर्मित बेहतरीन ईंटें और वो भी वाजिब रेट पर। अब मकानों में कालर लगने की सिरदर्दी ही खत्म, प्रोप्राइटर संदीप यादव पचेरी वाले। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा प्रियदर्शिनी सम्मान योजना के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोड की छात्रा प्रतिभा पुत्री दामोदर मिश्रा ने अलवर जिले में सम्मान प्राप्त किया। आपको बता दें कि मंत्री टीकाराम जूली द्वारा मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई थी। इस दौरान छात्रा प्रतिभा को अव्वल स्थान प्राप्त करने पर एक स्कूटी एवं 1,00,000 रुपए दिए गए। स्कूल प्रांगण में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं स्कूल स्टाफ द्वारा छात्रा प्रतिभा को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया, साथ ही अन्य छात्राओं के लिए प्रतिभा प्रेरणा स्रोत बनी। वहीं विद्यालय स्टाफ ने छात्रा को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। माधव अस्पताल सर्जिकल ENT डेंटल ट्रोमा एंड जच्चा बच्चा अस्पताल तमाम सुविधाओं से युक्त, जहां RGHS चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना MTPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व भर्ती की सुविधा। इतना ही नहीं, आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे सहित प्राइवेट व सुपर डिलक्स रूम उपलब्ध। निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र यादव, प्रशासक नरेंद्र यादव, कुंड रोड, बहरोड। राजस्थान प्रदेश में बढ़ते अत्याचार, लूट, डकैती, हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध को लेकर आज BJP की जन आक्रोश रैली अलवर में की गई। इस दौरान रैली में युवाओं द्वारा थाली बजाकर गहलोत सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। वहीं रैली में सैकड़ों युवाओं के द्वारा लोकगीत गाकर गहलोत सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस दौरान युवाओं ने लोकगीत के साथ थाली और ताली बजाकर विरोध जताया। जिस दौरान बताया कि गहलोत के राज में जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा है, वह अब तक का सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे देश में पहले स्थान पर अपराध में राजस्थान है। आपको बता दें कि अलवर जिले में मूक बधिर बालिका से रेप का मामला हो या फिर थानागाजी का मामला, रामगढ़ में रास्ता चौड़ा करने के मामले हो या फिर 3 मंदिरों को तोड़ने के मामले हो, नागौर, जोधपुर, करौली में हुई हिंसा से गहलोत सरकार नाकाम हुई, इसको लेकर आज अलवर में इसकी शुरुआत की गई। इस रैली में सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, BJP के पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, साथ ही गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। अलवर जिले में आज हो रही जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है कि अब अत्याचार नहीं सहेंगे। अलवर से दीक्षित कुमार की रिपोर्ट। इस प्रकार की असंवेदनशील सरकार है ये, जिस प्रकार का शासन इन पिछले लगभग 3.5 वर्षों से सरकार का रहा है, जो कार्य पद्धति रही है, जो कार्य प्रणाली रही है और जिस प्रकार के
विकास से अछूता राजस्थान रहा है, उन सब से जनता को अवगत कराना और जनता के अंदर उस चीज उस भाव का जन जागरण करना कि अब की बार जब भी राजस्थान में चुनाव हो उस चुनाव के समय पर इस कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ राजस्थान से कर देना है और राजस्थान में इस प्रकार से कांग्रेस को साफ करना जिस प्रकार से खेत से हम खरपतवार साफ करते हैं कि वो दोबारा से जिंदा हो ही ना, और राजस्थान में एक सुशासन और राजस्थान की मान सम्मान और राजस्थान के विकास और राजस्थान भी देश के साथ साथ में उन्नति के पथ पर अग्रसर बढ़े इस भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना और राजस्थान में एक सबके साथ सबके विश्वास सबके विकास और सबके प्रयास के साथ में इस राजस्थान को आगे ले जाना, इस भाव से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए और कांग्रेस की सत्ता को से बाहर कांग्रेस को करे। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।